hello dear aspirants welcome to the online platform Pakar ias i am vivek Pramar, and today i will discuss with you a very important topic of, for your civil service examination that is indus valley civilization and specially we'll talk about the town planning of indus valley civilization so but today's topic is mainly dedicated to the town planning of indus valley civilization and this is a very important part for your civil service examination because frequently the questions are asked in prelims as well as means both examination and mainly uh, in mains examination the question can be asked in three or four manners the very first manner is like compare the indus valley civilization or the town planning of indus valley civilization with the modern day times throw light on the town planning uh, system of the indus valley civilization or how it is relevant with the modern day town planning Compare भी कर सकते हैं थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे लाइक मॉडर्न सिटी जो स्मार्ट सिटी प्लान है तो हाउ इट इज रेलिवेंस और हाउ इट इज सिग्निफिकेंट इन द स्मार्ट सिटी प्लान ऑफ इंडिया बहुत से question पूछ सकते हैं सो दिस इज गोइंग टू बी ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर यू बट इफ यूल फोकस मेनली ऑन दिस लेक्टली एट द एंड ऑफ दिस सेबल टू राइट ऑल दीज आंसर इन मीस एक्सामिनेटेनियसली वेरियस थ्री मार्क्स क्वेश्चन टॉपिक लाइक डिस्कस सम टॉपिक्स लाइक ग्रेट बाथ ग्रेट ग्रीनरी धोलावीरा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जा सकते हैं और प्रोल्स में भी बहुत से प्रश्न यहां से बनेंगे क्योंकि वन लाइनर जो फैक्ट्स होते हैं उनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा वहां से में क्वेश्चन सीधे उठ के आ जाएंगे ठीक है so, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये बिफोर मूविंग ऑन टू द मेन टॉपिक

इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है सिंधु नदी जो हम कहते हैं अभी मैं पूरा मैपिंग से पढ़ाऊंगा आपको और स्ट्रक्चर्स के काफी सारे पिक्चर्स दिखाऊंगा उसकी मदद से मैं आपको टाउन प्लानिंग क्लियर करवाऊंगा बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग दैट दिस थ्री नेम्स आर गिवन टू पर्टिकुलर सिविलाइजेशन सो आपको समझ में आ गया इंडस वैली इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी सेटलमेंट से जो शहर हैं बहुत बड़े बड़े शहर हैं जैसे मोहिंदो चांद उदाड़ो देवर मेनली सेटल्ड अलोंग द इंडस और भी जो जैसे रावी नदी के किनारे हड़प्पा साइड बसी हुई है तो या तो इंडस या उसकी ट्रिब्यूटरीज झेलम चिनाब रावी सतलज ब्यास सरस्वती ऐसी उसकी ट्रिब्यूटरीज के अलांग शहर बसे हुए हैं देखिये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज भी अगर कोई अपना सेटलमेंट चाहता है तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इज वॉटर पानी के किनारे ही वो बसने की कोशिश करेगा आप भी अगर किसी शहर में रह रहे हैं कहीं घर खरीद रहे हैं या कहीं रहने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे वहां पानी है नहीं वाई बिकॉज वॉटर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्ले वाइटल रोल इन अवर लाइफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इट वॉज मेनली बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर एन एग्रीकल्चर वॉज मेनली बेस्ड ऑन द वॉटर रिसोर्सेस सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज बस यही है एग्रीकल्चर यह भी पानी पर डिपेंड करेगा तो रिवर प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल इन द एशियंट टाइम्स ड्यूरिंग द फ्लरिशमेंट ऑफ दीज सिजेशन आप इजिप्ट में अगर इजिप्टियन सिविलाइजेशन देखेंगे तो दैट वॉज ऑल्सो फ्लरिस्ड अलॉन्ग द बैंक ऑफ द नाइल रिवर सो इजिप्ट इज कॉल्ड द गिफ्ट ऑफ नाइल सो so, कोई भी सिविलाइजेशन देखेंगे तो वॉटर इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द सिविलाइजेशन एंड फॉर देयर फ्लरिशमेंट और डेवलपमेंट और उसके दो सबसे बड़े रीजन है एक इट प्ले वाइटल रोल इन एग्रीकल्चर एंड दूसरा जो रोल है वो है डोमेस्टिक पर्पज के लिए भी वॉटर का बहुत रिक्वायरमेंट होता है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहता है ये तो आपने समझ लिया नाउ द सेकेंड नेम वाई इट इज कॉल्ड द हरप्पन सिविलाइजेशन मेनली हरप्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं बिकॉज द फर्स्ट एवर डिस्कवर्ड साइड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट वाज हरप्पा

सिंस दे एक्सटेंसिवली यूज्ड ब्रॉन्ज इन मेकिंग वेरियस दिस पर्टिकुलर सिविलाजेशन देर वी कैन ऑल्सो कॉल दिसन एज एज सिट इज एक्ट इज अचर ऑफ कॉपर एंड टेन एक और बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ प्रलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है विच वॉज द फर्स्ट मेटल विच वॉज यूज बाय द पीपल दुनिया में सबसे पहले इस्तेमाल किया जाने वाला मेटल कौन सा है वो है कॉपर तो ये भी ध्यान रखिएगा ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है तो नाउ यू आर अवेयर अबाउट द डिफरेंट थ्री नेम्स एंड ऑल्सो यू आर अवेयर वाई वी द इंडस वैली सिविलाइजेशन नाउ इट इज मेनली पॉपुलर बाय द नेम इंडस वैली Civilization. दिस इज द मोस्ट पॉपुलर नेम एंड दिस नेम was गिवन बाय जॉन मार्शल ये भी ध्यान रखिएगा ये जो नाम दिया है ये किसने दिया है जॉन मार्शल ने तो ये एक बेसिक चीज हमने देखी

ठीक है तो इसका पहले बीसी का एक मतलब समझ लीजिए देखिए आज जैसे आप देखेंगे कि टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री चल रहा है ठीक है दिस इज एडी डोमिनी मतलब ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ से लेके ईयर चालू होता है आप कह रहे हैं दो हजार तेईस साल मतलब तो को दो हजार तेईस साल हो चुके हैं बट इफ यू वॉन्ट टू एक्सप्लेन एनी पर्टिकुलर इवेंट विच है ईयर बैक दो हजार चौबीस साल पहले कोई इवेंट हुई है तो आप कैसे बताएंगे तो यहाँ जीरो पे आ जाएंगे पीछे तो दो हजार तेईस साल तो हो गए एक साल और कैसे लाएंगे तो फिर आप बोलेंगे वन बीसी सी वन बी का मतलब दो हजार तेईस तो ये और एक और दो हजार चौबीस साल पुरानी बात हो गई मैं अगर आपसे कहूं दो हजार पच्चीस साल पहले जाइए तो आप क्या कहेंगे टू बीसी तो 2023 साल पुरानी इवेंट्स को दिखाने के लिए फिर हमें बीसी में जाना पड़ेगा तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट सम इवेंट टूक प्लेस इन 100 बीसी सो व्हाट डज इट मीन इट सिंपली मीन 2023 प्लस 100 और जोड़ दीजिए तो वो 2123 साल पुरानी बात कर रहा है तो नाउ आई एम सेइंग दैट दिस सिविलाइजेशन वाज दिसरिस्ड इन 2500 बीसी व्हिच इज द मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड सो कितने पुरानी बात हो गई दो तो 2023 साल और इसमें 2500 साल बीसी और जोड़ दीजिएगा तो ये 2523 बीसी इतने साल पुरानी हम बात कर रहे हैं तो बीसी का कांसेप्ट भी आपने समझ लिया ठीक है एक और चीज फिर हम जाते हैं टाउन प्लानिंग पे तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाई वी कॉल इट एज सिविलाइजेशन वेन एवर वी विल डिस्कस अबाउट द वैदिक कल्चर जब हम वैदिक के बारे में पढ़ेंगे वैदिक पीरियड तो हम उसको कल्चर कहेंगे वैदिक कल्चर लेकिन यहाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं सिविलाइजेशन सो वट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स सिविलाइजेशन एंड कल्चर और हमेशा लोग बहुत कन्फ्यूज होते हैं एक्सपीरियंट्स बहुत कन्फ्यूज होते हैं इन टर्म्स में और ये टर्म्स कभी, -कभी इंटरव्यू में सीधे पूछ ली जाती है वट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाईजेशन तो प्लीज ध्यान से सुनीगा ये पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा सिविलाइजेशन सिंपली मीन्स अ सोसाइटी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नॉलेज व्हाट डू मीन बाय कल्चर कल्चर मीन्स अ पर्टिकुलर सोसाइटी और उसकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक है बोलू एक सोसाइटी है तो इस सोसाइटी का जो भी आर्ट्स है ठीक है इसका जो म्यूजिक सिस्टम है इसका जो फेस्टिवल है जो भी इसका लैंग्वेज है जो भी इनका सिस्टम है फूड मतलब जो, जो भी इनका अटायर है समाज का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या खाते हैं वो क्या पहनते हैं क्या भाषा बोलते हैं कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं ये सारी की सारी चीजें कल्चर होती है फिर सिविलाइजेशन क्या हो गया व्हेन दिस सोसाइटी बिकम एडवांस and 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 it it changes rapidly due to the technological intervention, and also it is bounded by some rules and regulation. Then we can call this particular culture culture as civilization. technological तो हो डेवलपमेंट होते रहते हैं कुछ नियम कायदे कानून वहां होते हैं समाज को चलाने के लिए उसको रेगुलेट करने के लिए तब हम उसको क्या कह देते हैं सिविलाइजेशन आप अगर घर से निकलते हैं तो आपको स्क्वायर पे beacons लगे मिलते हैं गवर्नमेंट ट्रैफिक जो ऑफिसर्स है वो खड़े हुए मिलते हैं ये एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के एग्जांपल्स हैं कुछ ना कुछ नियम कायदे कानून होते हैं एक दिन भी अगर वो ऑफिसर वहां नहीं हो या वो बीकन बंद हो तो फिर सब अपनी मर्जी से चलते जाएंगे क्या क्रिएट हो जाएगा तो ये तो एक जस्ट एक एग्जाम्पल है तो आपको शायद आई होप की नाउ योर मीनिंग इज क्लियर क्लियरली नाउ यू विल नॉट बी कन्फ्यूज बिटवीन टू टर्म सिविलाइजेशन एंड कल्चर सो कल्चर सिंपली मीन्स अ सोसाइटी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नॉलेज and when this society become advanced and technology due to the technological development so we can say this is a particular this society as a civilized society so civilized society means this advanced society due to the technological development and it often changes rapidly कभी भी देखिएगा ट्राइबल लोगों के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम उसको कल्चर कहते हैं ट्राइबल कल्चर why because वो इतनी जल्दी बदलता नहीं है वो स्टेटिक स्टेबल रहने की कोशिश करता है तो कल्चर कंजर्वड होता है और सिविलाइजेशन बहुत रैपिडली चेंज होती है एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं है ना सबसे पहले बुलक काट होती थी बैलगाड़ी जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन के लिए धीरे 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 फिर बाइक फिर फोर व्हीलर हेलीकॉप्टर ये क्या हो रहा है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ही तो हो रहा है तो इसको हम सिविलाइजेशन कहते हैं क्लियर फंडा है ना तो ध्यान रखिएगा बेसिक डिफरेंस है बस जब एडवांसमेंट होता है तो उसको हम सिविलाइजेशन कहते हैं तो बार बार हम इसको सिविलाइजेशन कहेंगे अब हम इसका टाउन प्लानिंग पढ़ते हैं टाउन प्लानिंग पढ़ने के लिए सबसे पहले आप एक एक फोटो देखिए तो जल्दी समझ जाएंगे इस स्ट्रक्चर को देखिए दिस इज द रिक्रिएशन ऑफ द मोहन जुदाड़ो है एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं मिला है लेकिन हम कह सकते हैं कि मोहिंद जुदाड़ो शहर ऐसा बसा होगा तो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो देखिए इनकी भाषा तो नहीं पड़ेगी दो चीज में पहले बता दू जो लैंग्वेज है इनकी स्टिल इट इज लैंग्वेज तो अभी तक इनकी है मतलब अभी तक डिकोड नहीं की जा चुकी है तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बेसिस पे है कैसे हम इनका टाउन प्लानिंग रिक्रिएट कर रहे हैं तो ऑल द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस एविडेंस वी हैव रिकवर्ड फ्रॉम वेरियस है मोहिजदारो है हड़प्पा चांदाड़ो लोथल सुरकोटाडा बहुत सारी साइट जो इनके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं है ना जो एक्सकेबिशन के बाद मिलते हैं उनके बेसिस पे हमने रिक्रिएट किया है हमारे हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट ने रिक्रिएट किया है उसी को हम यहाँ स्टडी करेंगे

और वन थिंग आई मस्ट से दिस वाज द मोस्ट एडवांस्ड सिविलाइजेशन इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड जिस समय ये सिविलाइजेशन थी उस समय दुनिया के दूसरे हिस्से में भी सिविलाइजेशन थी सबसे पुरानी जो इराक में फ्लरिश थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इजिप्ट में इजिप्टियन सिविलाइजेशन लेकिन इन सारी सिविलाइजेशन में सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशन कौन सी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन

Backed brick क्या होती है ब्रिक्स को डायरेक्टली आग में नहीं रखते हैं उसको थोड़ा दूर रखते हैं वहां से तो जो फायर होता है उससे सराउंडिंग गर्म होता है और वो सराउंडिंग धीरे धीरे उस ब्रिक को बैक करता है ना तो वो थोड़ी कमजोर होती है बंट ब्रिक्स के मुकाबले और इजिप्टियन मेनली दे ड्राइड ब्रिक्स बस ब्रिक बनाया क्ले का मिट्टी का और उसको धूप में सुखा लिया तो ब्रिक के मामले में अगर आप देखें तो ये एडवांस है और भी कई चीजों बताऊंगा मैं आपको हाइजीनिक के मामले में एडवांस थे टाउन प्लानिंग ड्रेनेज सिस्टम के मामले में बहुत एडवांस है

तो ये मोहन का है इसी बेसिस पे आप कह सकते हैं सब होंगे विद स्लाइट मॉडिफिकेशन इन एक्सेप्शन और बाकी ये जो पूरा आपको दिख रहा होगा यहां पर दिस इज कॉल्ड द ईस्टर्न पार्ट ये जो पोर्शन है ये ईस्टर्न पार्ट है तो द टाउन्स वन मेनली डिवाइडेड इन टू टू पार्ट दट इज द वेस्टर्न पार्ट एंड द ईस्टर्न पार्ट वेस्टर्न पार्ट वॉज एज द अपर सिटी एंड ईस्टर्न पार्ट वॉज एज द लोअर सिटी क्यों ऐसा क्यों बोलते थे अपर और लोअर सिटी क्योंकि ये थोड़ा सा वेस्टर्न पार्ट जो होता था ये अपर प्लेटफॉर्म पे बना होता था और लोअर सिटी जो था वो थोड़ा सा लोअर उसमें बना हुआ था तो क्या ये इकोनॉमिक डिवीजन का एक आधार है क्या ये इकोनॉमिकली डिवाइडेड थे कि इनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी थी स्ट्रक्चर से घर से अटायर से लैंग्वेज से इससे भी लोग डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये एक इकोनॉमिक डिवीजन था और कहते भी हैं इनकी इंफॉर्मेशन तो ज I तो mean, नहीं पड़ा गया बट वी कैन सेन द बेिस ऑफ द टाउन प्लानिंग ऑन द इकोम सो द टाउन वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट द वेस्टर्न पार्ट विच वॉज मेनली इनिटेड बाय द रिच और एरिस्टोक्रेटिक और वेल्दी पीपल विच वाइट विच मेनली वर रिलेटेड टू द ट्रेड एक्टिविटीज अब एक एक चीज पे फोकस कीजिएगा क्यों कहा मैंने की ये ट्रेड एक्टिविटीज से लगे हुए थे बिकॉज मोस्टली सील्सिन रिकवर्ड फ्राम दिस पर्टिकुलर प्लेस ग्रेनरीज ये ग्रेनरी और सील्स दोनों से कह सकते हैं कि ये ट्रेड से रिलेटेड थे कैसे देखो सील्स क्या होती है आज भी आपने देखा कोई भी ऑथेंटिकेशन के लिए सील होती है फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए गवर्नमेंट आप सिंपल एक पोस्ट ऑफिस में गए या सिंपल बैंक में गए और वहां आपने पैसा जमा किया तो वो एक सील लगाकर देगा आपकी रिसीट पे तो सील्स मेनली ऑथेंटिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है ट्रेड में ब्रांड के लिए भी इस्तेमाल होती है जैसे कोई एक सिंपल एक शर्ट या पैंट आप लेने गए और उस पर एक ब्रांड का लेबल लगा हुआ है तो आपको लगता है ये ऑथेंटिक है

तो ऑथेंटिकेशन प्रूफ ऑफ ओनरशिप के लिए सील का इस्तेमाल होता था सील से कहां होती है मेनली रूलिंग क्लास के के पास होती के पास होती होती है है हमेशा कोई अथॉरिटी तो यहाँ पर अथॉरिटी वाले लोग होंगे इसलिए इतनी सारी सील मिली है तो ट्रेड और अथॉरिटी के लोग यहाँ रहते थे ये पता हम सील से कर सकते हैं एक और चीज हमने लिखा है यहाँ पर ग्रेनरी से तो लार्ज ग्रेनरी जैसे मोहिन में बहुत बड़ी ग्रेनरी मिली है यहाँ पर इस मोहिम में यहां पर जो ग्रेनरी मिली है ग्रेट ग्रेनरी कहते हैं उसको ग्रेट ग्रेनरी

हो गया या बाढ़ के कारण सब खत्म हो गया फूड शॉर्टेज आ गया तो उस समय में ये यह यहां से पहुंचा देते होंगे क्योंकि मेनली लोअर टाउन के नुकसान होने के चांसेस ज्यादा होते हैं ये निचली जगह पे आता था पानी यहां ज्यादा भरता है ये फिर भी थोड़ा उसकी तुलना में सेफ रहता था और ये देखिए दिस इज द कोर्स ऑफ द सिंधु इंडस रिवर ये इंडस रिवर का कोर्स है ठीक है और कहते हैं कि मोहन को तो छह से सात बार इंडस की फ्लड ने बर्बाद किया है बार बार रिबिल्ट हुआ ये शहर तो यहाँ दिस वेस्टर्न पार्ट वॉज मेनली इनहेबिटेड बाय द ट्रेड पीपल विच वॉज ऑथेंटिकेटेड बाय द सील्स और इट वॉज मेनली इनहेबिटेड बाय द एरिस्टोक्रेटिक और रूलिंग क्लास पीपल विच वॉज मेनलीकेट बाई दीज टू थिंग्स क्योंकि बड़ी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है यहां पर ग्रेट बाथ है यहां पर ग्रेट ग्रेनरी है हड़प्पा की छे ग्रेनरी है हड़प्पा में यहां पर तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है बड़ी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स अगर हैं तो दैट मीनस यहाँ तो रूलिंग क्लास रहते होंगे अभी तक ये नहीं पता चला है uh, कि कौन यहाँ पर रूलिंग क्लास था मर्चेंट्स थे या फिर कोई राजा महाराजा था है ना पर ये सेपरेट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ज्यादा हथियार नहीं मिले हैं इंडस की किसी साइड से तो हम ये तो नहीं कह सकते कि राजा महाराजा ने राज किया होगा ठीक है पर ये सील्स के बेसिस पे हम कह सकते हैं मर्चेंट लोग ही यहाँ के रूलर रहे होंगे रूलर तो था ये कन्फर्म देर वॉज अट्रल देर वॉज काइंड ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी वाई बिकॉज इतना बढ़िया होमोजीनिटी के फॉर्म में टाउन मिल ही नहीं सकता जब तक कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं हो

ये इस तरह के ग्रेट बात है ये मीनस में भी तीन नंबर में पूछ चुके हैं एमबीपीएससी ये देखिए एक उसका थोड़ा सा और अलग व्यू जो अभी की हालत में मिला हमें ऐसा ये वेस्टर्न पार्ट है सिटाडेल हाइट पे होता था और ये लोअर टाउन है ठीक है नीचे की तरफ तो ये देखिए ग्रेट बात यहाँ इसको देखिए ग्रेट बात दिस वॉज द ग्रेट बात विच बीन रिकवर्ड फ्रॉम मोहिंदुदारो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं याद रखिएगा ग्रेट बात कहां से रिकवर हुआ है मोहनजोदाड़ो से ठीक है तो मोहनजोदाड़ो का लिटरल मीनिंग होता है माउंट ऑफ डेड माउंट ऑफ डेड बहुत सारे जो लोग डेड हो चुके हैं उनका एक चबूतरा एक ढेर ये कहते हैं ये लिटरल मीनिंग है मोहिंद जुदाड़ू का है ना वो फ्लड के कारण कई लोगों की यहाँ पर मौत हो गई थी तो यहाँ कई सारी लाशें दफन है ऐसा कहते हैं इसीलिए इसको माउंट ऑफ डेड कहते हैं ठीक है तो दिस वॉज द ग्रेट बात अब नाउ थ्री टू तो फोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक विच वी कैन मेंशन इन अवर आंसर इट इज मेनली कंस्ट्रक्टेड विद द बर्ंट ब्रिक्स इसमें बर्ंट ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया है डेलप नहीं हुआ है तो कितना बढ़िया सिविल इंजीनियरिंग का इसमें इस्तेमाल हुआ हुआ प्रॉपर स्टेयर है यहां पर चेंजिंग रूम्स बने हुए हैं इसमें चेंजिंग रूम्स क्लोथ्स के लिए तो ये ग्रेट बात जो है, ये मिला है कहां से, से ब्रिक्स का बना है, इन द कंस्ट्रक्शन एंड चेंजिंग रूम्स वर देयर सेपरेट स्टेयर्स वर देयर टू डायमेंशन इज 11.88 मीटर दिस आल्सो यू कैन राइट इन योर आंसर 11.88 इसकी लंबाई है

archaeological evidences. So this was the great bath. This has also been recovered from the Mohenjo-daro. तो so ये हमने great granary administrative building के बारे में पढ़ा लिया. अब lower town में आते हैं, तो whole lower town was mainly whole lower town was mainly uh, laid out in the rectangular grid pattern. ये देखिएगा rectangular grid pattern क्या होता है? ये देखिए, पूरा का पूरा एक grid pattern में बना हुआ है grid पूरा मैं बताता हूँ आपको grid pattern क्या होता है? जैसे ये एक टाउन है पूरा ठीक है इसमें ध्यान से देखिए ये बीच में ये मेन रोड है ये मेन सड़क है ये मेन एंट्रेंस गेट है ये ये होता है पैटर्न ये ये इस तरह का मेन पूरा बना दिया तो मेन रोड मेनली डिवाइडेड द सिटी इनटू मेनी ब्लॉक्स जैसे ये एक ब्लॉक दो ब्लॉक तीन ब्लॉक चार ब्लॉक है ठीक है और मेन रोड का वो भी देखिए आप विथ 66 फीट द एक्चुअली दे दे आर वाइट तो इनका जो विथ है वो 66 फीट है दे ऑलवेज कट अक्रॉस ईच अदर एट नाइनटी डिग्री एंगल एक दूसरे को नब्बे पे काट रही है, राइट एंगल तो में मतलब जोमेट्री का भी अच्छा नॉलेज रखते थे सिविल इंजीनियरिंग का भी अच्छा नॉलेज रख रहे हैं तो देखिए ना कितने एडवांस थे इसलिए इसको मोस्ट एडवांस सिविलाइजन कहा उस समय की तो रोड कट ईच अदर एट नाइन्टी डिग्री एंगल है तो हाउसेस आर लाइक दिस ऐसे घर होते थे और यहां पर इनके बीच में एक सेपरेट लेन जाता था जो विच कनेक्ट ईच हाउसेज टू द मेन रोड किसी को यहां से जाना है तो इस रास्ते पे जाइए कॉलोनी वाला रोड जैसे आज हमारा होता है हर जगह ऐसे बने होंगे ग्रिड पैटर्न में पूरे के पूरे घर तो ये होता है रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न जिसमें मेन रोड्स होती है जो ब्लॉक में डिवाइड करती है और बाकी ब्लॉक में लाइन से घर होते हैं और उनमें सेपरेट लेन लगी होती है जो उन घर को कनेक्ट करेगी मेन रोड से ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न इसी को कहते हैं ठीक है तो याद रखिएगा रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न

आपने देखा होगा कि ये ये हाइजीनिक ये सोसाइटी का एक पहचान होता है साफ सफाई पे आप बहुत ध्यान रखते हैं सोसाइटी एंड हाइजीनिक सोसाइटी पीस लविंग इसलिए हथियार ज्यादा नहीं मिले मतलब शांति में भरोसा रखते थे हाइजीनिक इसलिए क्योंकि साफ सफाई पे बड़ा भरोसा रखते थे देखिए उनका एडवांस ड्रेनेज सिस्टम कितना बढ़िया था सेपरेट ड्रेन फ्रॉम घर से एक सेपरेट ड्रेन निकलेगा जो, पूरा पूरा जो इसका लेकर जाएगा मतलब हर घर से एक सेपरेट नाली है वहां से वो कचरा पूरा वहां जाएगा फिर जो मेन नाली है जो पूरे रोड के साथ में है वहां से वो कचरा होकर सिटी से बाहर डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा आज भी तो यही हो रहा है घर 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 जो आपकी गाड़ियां आ रही है कचरा गाड़ी तो पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक सब बाहर चला जाएगा और सबसे इंटरेस्टिंगली ये जितने भी ड्रेनेज हैं इनमें लूज और यहां पर रेगुलर साफ सफाई होती थी तो दैट मच हाइजीनिक लविंग पीपल वर लिविंग इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन इतनी तो अच्छी टाउन प्लानिंग जॉइंट रिजर्वायर

एक्चुअली दे दे विंडो का तो ज्यादा इस्तेमाल नहीं है में जरूर कुछ विंडो मिली है बाकी विंडो का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था जो दरवाजे होते थे वो कॉर्नर में होते थे और वो भी पीछे की तरफ मतलब जैसे आज हम क्या होता है रोड के सामने होता है रोड की तरफ हमारा दरवाजा बनाते हैं ये लोग गली की तरफ पीछे की तरफ दरवाजा बनाते थे रोड की तरफ नहीं बनाते थे इट इज ऑल्सो स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन टेंट थिंग इज एवरी हाउस हैड ए सेपरेट वेल इन देअर कोर्टयार्ड लगभग लगभग हर घर में सेपरेट कोर्टयार्ड अपने वो होते थे वेल्स कुए दिट मीनस देवर अवेयर अबाउट द रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है कई एग्जाम में पूछा भी जा चुका है रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंडस्ट के लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से अवेयर थे बिकॉज जॉइंट रिजर्वायर जो धोलवीरा में मिला है वहां पानी इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल करते थे हर घर में लगभग वेल होते थे कुएं उसमें पानी को वो स्टोर करते थे गबरबंद होता था इसके अलावा गबरबंद गबरबंद का मतलब होता है सिंपल नाला ये इस्तेमाल करते थे गबरबंद जिसको हम नाला कह सकते हैं एक होता है आपका जाइंट रिजर्वायर कई जगह मिले हैं और सिंपल सा है वेल्स। स्पेशली में तो इतने वेल्स हैं कि मोहिंदो इज सिटी ऑफ वेल्स ये भी याद रखिएगा। इतने वेल्स हैं कि सिटी ऑफ वेल्स किसको कहते हैं जुदाड़ो को कहते हैं सिटी ऑफ वेल्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इट कैन आज एक्सामिनेशन मोहन called दिस इज कॉल्ड सिटी ऑफ वेल्स मैक्सिमम वेल्स आर फाउंड इन मोहनजोदाड़ो सी दिस इज which is इज मेड of burnt ब्रिक्स ये इसका है ना इसको पूरा खुदाई करके इसके बॉटम तक गए हैं दिस इज the surface where एक्चुअली पीपल यूज टू टेक द वॉर फ्रॉम द वेल्स so highly advanced society at that time it was because they also were aware about the rain water harvesting system जो आज भी लोगों को aware करके हम लोग कराते हैं कितना अवेयर करते हैं इस गवर्नमेंट अपनी तरफ से अवेयर करती है पढ़े लिखे लोग पढ़ते हैं और देखते हैं वाटर की कीमत को और आज भी किसी भी शहर में चले जाइए मुश्किल से 15-20 परसेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग को इस्तेमाल करते होंगे यहाँ पर देखिए अब 90 परसेंट सोसाइटी थी ठीक है तो दिस वाज हाईली एडवांस सोसाइटी तो देखिये ये है वो धोलावीरा का जॉइंट रिजर्वायर धोलवीरा का जो जायंट रिजर्वायर है यह है वो रिजर्वा तो इसमें पानी स्टोर होता था अभी भी अगर आप देखें तो ये आज भी इस हालत में पूरा बंट ब्रिक्स का बना हुआ है प्रॉपर यहां से पानी स्टोर करके इस तरफ है इसमें यहां से पानी चैनलाइज करके अलग अलग पर्पस के लिए लोगों के पास पहुंचा दिया जाता था तो मेनली इफ मेनलीफ सी इंडस वैली सिविलाइजेशन के सिटी ये देखिए वो जो सेपरेट हाउसेस से जो ड्रेन निकलती थी और ये मेन रोड के किनारे जाके बाहर डिस्पोज ऑफ कर देते थे बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस की पूरी टा, टाउन प्लानिंग क्लियर तो याद रखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये सबसे पहले आप टाउन प्लानिंग में पहले तो अर्बन सिविलाइजेशन लिखिएगा इस कहां से एविडेंसेस मिलते हैं कुछ सिटी के एविडेंसेस लिख दीजिए फिर डिवीजन ऑफ सिटी लिखिएगा फिर पहले अपर पार्ट को बताइएगा उसमें ग्रेट बात एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग ग्रेट ग्रीनरी को बताइएगा फिर लोअर पार्ट में आप सबसे पहले रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न रोड के बारे में ड्रेनेज सिस्टम और वॉटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को सेपरेटली अलग से एक्सप्लेन कीजिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इफ यू टू राइट यूर एग्जामेशन यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट द ग्रेट ग्रेनरी लाइक इन ग्रेनरी स्ट्रेटेजिक एयर डक एयर डक होते थे जहां से उनको पता होगी नमी भी नहीं आएगी क्योंकि प्रॉपर अगर डक होगा तो फ्रेश एयर भी आएगी उससे अनाज सड़ेगा भी नहीं और अगर नमी होगी तो वो भी इवापरेट होकर चली जाएगी अपरेस्ड प्लेटफॉर्म पर ग्रीन रखे जाते थे टू तो सेव इट फ्रॉम द पेस्ट सो हाईलीस हाईली इंडस्ट्रियस दीपल वर

ठीक है नेक्स्ट जितनी भी चीजें हैं ये थोड़ा डायमेंशन को याद रखने की कोशिश कीजिएगा इफ यू कैन रिकॉल और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन सो दिस इज होल अबाउट द टाउन प्लानिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन क्लियर नेक्स्ट सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर मच